गए हैं 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेने। तो सर क्या नाम है आपका? सर शिवराज राठौर। शिवराज जी कैसा लेवल था? सर लेवल काफ़ी अच्छा था और मीन्स ईजी था, पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इंग्लिश काफ़ी ईजी है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस जो है एक दो वो कैलकुलेटिव है, बाकी सब ईजी है मीन्स। ओके, मतलब चारों सेक्शन ईजी आ रहा है? हाँ सर, लगभग ऑलमोस्ट ईजी है, लेवल ईजी है पेपर का। मॉडरेट से भी डाउन है क्या? नहीं सर, इतना भी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चंस जीके में काफ़ी मतलब अच्छे आए हुए हैं। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 94 अटेम्प्ट किए। 94 है, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्यूरेसी क्या बोलेंगे आप 94 में? ऑलमोस्ट सर 90% तो है ही। 90 मतलब ठीक था, और इंग्लिश ईजी थी और जीके थी जो जनरल अवेयरनेस वो भी ईजी थी। और बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग भी थोड़ी बहुत मतलब इजी थी, 80% के अराउंड इजी थी, बाकी मैथ्स का कुछ पार्ट है ना कैलकुलेटिव था। हाँ, तो इसलिए अगर कोई मैथ्स में लास्ट में जा रहा है तो ऑफ कोर्स उसने कम ही अटेम्प्ट किए होंगे। तो डीआई कैसा रहा आज का? डीआई बहुत इजी था, डीआई जो मैथ्स का जो डीआई आया वो इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन थी उसके अंदर, सिंपल एडिंग करना था, तो अगर आप फास्ट ऐड करते हो तो आपका डीआई आराम से हो जाएगा इजीली। हाँ, और हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग में जैसे कि हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर किसी को टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं नहीं, एक दो टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि अगर वो बात करें अपन मतलब फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के फिर थर्ड आना है, फिर थर्ड फोर्थ को छोड़ के ये, या फिर पैटर्न बनाना है, तो वो आ रहे हैं कुछ। कोई क्वेश्चन आया था जीके का आपको यहाँ पे? जीके का ज़्यादातर ये है कि मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि हिस्ट्री ज़्यादा आएगी, तो कुछ एक हिस्ट्री के भी आए हैं, और हिस्ट्री के स्टार्टिंग का रूलर वगैरह के बारे में कुछ पूछा था, और जनरल मतलब करंट की बात करें तो करंट में वो पूछ रहे हैं जो अभी हाल ही में जो कोई मीटिंग वगैरह हुई है या वो मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी से करंट आ रहा है। हाँ, दिसंबर जनवरी फरवरी से करंट आ रहा है जो हाल ही में कुछ हुआ है, और बाकी पार्क वगैरह के पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्क कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने पेपर तो बिल्कुल ईजी था, बस मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था और कुछ नहीं था। ओके, और बाकी सेक्शन की बात करें रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग में 25 करने लायक थे, और जीके में करंट था लगभग पूरा ही, और इंग्लिश बहुत ईजी था। करंट के कितने क्वेश्चन आए? लगभग करंट की था पूरा ही, मतलब ऑलमोस्ट करंट क्वेश्चन आया। ओ, कोई क्वेश्चन याद है आपको यहाँ पे करंट का? अब एक तो ये था कि एक जो 107वीं विज्ञान जो कॉन्वो हुई थी, तो उसका थीम क्या थी उसकी? ओके, उसकी थीम क्या थी? हाँ, और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किया 79। 79 ऑल ओवर तो बेटर था, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसमें इंग्लिश का सेक्शन जो रीजनिंग का सेक्शन था वो कुछ एवरेज था, उसको हार्ड नहीं बता सकते, लेकिन मैथ थी ना वो कुछ टाइम कंज्यूमिंग थी, उसमें टाइम लग रहा था। ओके, और हम बात करें यहाँ पे जैसे कि कोई जीके का क्वेश्चन याद है आपको? सर जीके का क्वेश्चन तो याद, जैसे कि ना हमारे इंडिया में क्षेत्रफल के मामले में वन क्षेत्र किस में सबसे ज्यादा है? ओके ओके, इस टाइप में कुछ। इंग्लिश का बहुत इजी था, इजी सेक्शन आया। और बाकी और सेक्शन की बात करें तो क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड जो था वो काफ़ी टफ था। काफ़ी टफ है, कैलकुलेटिव बोलेंगे क्या? बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। ओके, रीजनिंग इजी थी और जनरल अवेयरनेस बिल्कुल करंट अफेयर्स बेसिस पे थे। तो क्वेश्चन याद है जीके में आपको? जीके में वैसे एकदम से याद नहीं है। टोटल कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? 85 कर गया। 85, अरे चलिए। हाँ सर, जीके सेक्शन की बात करें तो कैसा रहा जीके क्वेश्चन आज वाला? जीके का ज़्यादातर नॉर्मल था, 2019 की ज़्यादातर पूछी गई थी, लगभग 5 क्वेश्चन थे जो 2020 के थे इसमें से जीके के, वैसे इजी था ज्यादातर। कोई क्वेश्चन याद है आपको साइंस वगैरह या फिर कोई भी जीके का करंट से? कोई क्वेश्चन याद हो करंट से? क्वेश्चन आराम से रिलैक्स होके। कोई बात नहीं, अगर हम बात करें रीजनिंग के सेक्शन की तो कैसा रहा रीजनिंग का सेक्शन? रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन हार्ड थे वैसे, और ज्यादातर मतलब 25 में से बात करें 21 तो बिल्कुल इजी थे, 4 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के बोल सकते हैं। ओके, और मैथ का सेक्शन की बात करें तो मैथ कैसा रहा? वैसे कैलकुलेटिव ज्यादा था पेपर, पूरा का पूरा कैलकुलेटिव था, 2-4 क्वेश्चन इजी थे, पूरा कैलकुलेटिव था। और इंग्लिश का देखा जाए तो पुराने जैसे पहले आ रहे थे ना, वैसे वैसे मतलब कह रहे थे कि इजी है, वैसे इजी था पूरा, मतलब मैंने 23 किए थे, 23 बिल्कुल इजी थे उनमें से, मतलब इंग्लिश बहुत ईजी आया आज। हाँ, इंग्लिश बहुत ईजी आ रहा है। हाँ सर, मैथ सेक्शन की बात करें तो कैसा रहा मैथ सेक्शन? मैथ कैलकुलेटिव थी सर, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। ओके, कैलकुलेटिव आई मैथ। इंग्लिश बहुत ईजी थी, कोई लेवल ही नहीं था इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का कोई लेवल नहीं था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इंग्लिश में? प्रीवियस ईयर के? हाँ, प्रीवियस ईयर के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, और जो जितनी भी वोकैब है वो सारी। कोई याद है वोकैब में आपको, वन वर्ड वगैरह कोई भी, ईडियम्स वगैरह? ईडीएम्स वगैरह तो याद नहीं है। याद नहीं है। और अगर जीके के सेक्शन की बात करें तो कैसा रहा जीके सेक्शन?
जीके का करंट थोड़ा टफ था। करंट टफ था, हाँ। तो दिसंबर से पहले क्या है, दिसंबर के बाद भी करंट आ गया? नहीं, लगभग 3-4 महीने पहले का ही है। पहले का है, हाँ। ओके, कोई क्वेश्चन याद है आपको जीके में? जीके में सर क्वेश्चन याद नहीं, कोई याद नहीं। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ये याद। कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? मेरे 82। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस।